hello 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 friends welcome back again on the i have a vision academy youtube channel in short i have academy so without any further ado today we will be looking at the current affairs of july 1 to 15 so without any further ado let's start our today's session the first article is regarding behitan dam so only we have to remember that behitan dam will be built in china on yangtze river itnasayadraknaya एंड ऑल्सो दिस इज़ वर्ल्ड्स सेकेंड बिगेस्ट हाइड्रो पावर डैम सो पहला कौन सा है वो भी चाइना पे है उसका नाम है थ्री गोर्जेस डैम तो फर्स्ट एंड सेकेंड बिगेस्ट हाइड्रो पावर डैम्स आर बिल्ट इन चाइना और ये जो पर्टिकुलर बेहितान डैम है ये यांगजे रिवर पे बनाया गया है स्क्रीन पे आप यांगजे रिवर का फ्लो देख सकते हैं उसका पाथवे देख सकते हैं तो ये यहाँ से जाती है और यहाँ येलो या ईस्ट चाइना सी के तरफ गिर जाती है ध्यान रखिए इट इज़ नॉट साउथ चाइना सी बट इट इज़ ईस्ट चाइना सी और येलो सी सेकेंड आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सो पूरा बेसिक्स के साथ रिवाइज कर लेते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है और कौन कौन पार्ट है प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग पी एम एंड आवर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल इज़ द हाइस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री हम सबको पता ही है एक तरह से ये वकील हैं किसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सो ऑल द मैटर्स डेल्ट इन द जुडिशरी वेयर वन ऑफ द लिटिगेंट इज गवर्नर सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो इन दैट केसेस इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टू रिप्रजेंट और शो केस ऑफ और साइड ऑफ द गवर्नमेंट आर्टिकल सेवेंटी सिक्स डील्स विद द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करता है हमारे प्रेसिडेंट साहब करते हैं एडवाइस किसकी होगी वही एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए टू गेट अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही मस्ट क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सो अंडरलाइन ये बात करना है इधर कि ही शुड नॉट बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही शुड बी क्वालिफाइड एनफ टू गेट अपॉइंटेड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज दैन टर्म ऑफ ऑफिस इट इज नॉट फिक्सड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन सो क्या बोलेंगे टिल द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट ही रिमेन इन ऑफिस सेकेंड है देर इज नो प्रोसीजर और ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया दिट मीन्स प्रेजिडेंट बाई मेयर प्रोक्लेमेशन और ऑर्डर इट विल रिमूव द ए जी आई फ्रॉम इट्स ऑफिस देर आर वेरियस प्रेरोगेटिव गिवन टू द पोस्ट ऑफ ए जी आई एंड देर वेरी इंपॉर्टेंट पहली बात तो

Then he can attend that committee meeting also without right to vote. Moreover, Attorney General of India, very unique point, it is not a government servant. Although he is giving his duties to the government of India, but then also it is not called as servant of government. It means it is not debarred to practice in its private sphere. अब इसमें भी कंडीशंस आ जाती हैं कुछ कुछ कि अगर लिटिगेंट है केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही सो so ऐसा नहीं है वो प्राइवेट पार्टी एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट कर सकता है बाई अबेंडनिंग द केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो ही मस्ट साइड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन्वॉल्व इन एनी केस एनालॉगस टू द पोस्ट ऑफ अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन द स्टेट्स वी हैव एडवोकेट जनरल आर्टिकल वन सिक्सटी फाइव डील्स विद इट टू एड और हेल्प

नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग कड़कनाथ चिकन बहुत ही न्यूज़ में था ये पहले भी पिछले सालों में क्यों बिकॉज इन 2017 इट हैज़ गिवन जीआई टैग कहाँ मिलता है पूरा याद ही हो जाएगा क्योंकि इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं जबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश ब्लैक मीट के लिए पॉपुलर होता है क्योंकि आप देख ही सकते हैं यहाँ की त, इसकी तस्वीर सो वट इज़ स्पेशलिटी ऑफ दिस ब्लैक मीट इसमें कुछ प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है फैट कंटेंट थोड़ा कम होता है सो दीज ऑल काइंड ऑफ यूनिक करेक्ट्रिस्टिक्स वन कैन फाइंड इन द ब्लैक मीट ऑफ कड़कनाथ चिकन डैट्स वाई इट इज़ फेमस तो हमको क्या याद रखना है जी आई टैग हैज़ बिन गिवन कहाँ मिलता है जबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में और कमेंट में आपको ये बताना है इन इंडिया हु विल असाइन दिस जी आई टैग कोई तो मिनिस्ट्री करती होगी ना सो यू हैव टू गिव द नेम ऑफ डेट मिनिस्ट्री इन द कमेंट सेक्शन नेक्स्ट इज लेम डक सेशन सेशन की स्पेलिंग गलत हो गई लेम डक सेशन इसके स्लाइड में इसीलिए कुछ नहीं लिखा बिकॉज यहीं एक्सप्लेन कर देते हैं क्या है बहुत ही ईजी कंसेप्ट है लक्ष्मीकांत में भी आपको मिल जाएगा पॉलिटिक कोर्स में भी मैंने पढ़ाया था ये चीज़ देखिए अ लोकसभा हैज़ बिन कॉन्स्टिट्यूटेड टूडे इज फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट ईयर नाउ इट विल कैरी इट्स ऑपरेशन टिल द लास्ट डे ऑफ द फिफ्थ ईयर सो देयर इज़ अ स्पेसिफिक टाइम इन दैट टाइम द लोकसभा विल भी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द लास्ट टाइम क्यू बिकॉज इलेक्शन हैव बिन हेल्ड यहाँ के इलेक्शन हेल्ड हो चुके हैं मान लीजिए फोर पॉइंट फाइव ईयर पे इलेक्शन हेल्ड हो चुके हैं एंड ऑल द सीट्स आर फुलफिल्ड बाई दिज न्यूली इलेक्टेड मेम्बर्स ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड और गोइंग टू भी कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा इन द नीर फ्यूचर सो दिस सेशन ऑफ द प्रजेंट लोकसभा इज मोर और लेस नाट इम्पॉर्टेंट एंड इन द लास्ट डे जब आप स्कूल से भी कॉलेज में जा रहे होगे सो इन द लास्ट वन और टू डेज यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी इन योर स्कूल ऑफ ऑफकोर्सली सो ऐसा ही यही परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन पूरे हमारे जिंदगी भर तक चलता है और इसीलिए हमारे एम भी यही सब चीज़ें करते हैं क्या करते हैं वो देर इज़ नो फंक्शनिंग एट द लास्ट डे सो दिस सेशन ऑफ द लोकसभा इज कॉल्ड लेम डक सेशन बिकॉज नो टास्क

One बोल so in this वन बोल दीजिए सो इन दिस लोकसभा वन दे कांट बी एबल टू फाइंड अ सीट क्यों क्योंकि इलेक्शंस हार चुके हैं वो सो दीज लेफ्ट एम पीज़ विच आर पार्ट ऑफ करंट लोकसभा बट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ फ्यूचर लोकसभा दीज एम पीज़ विल बी कॉल्ड लेम डक्स इसका मतलब भूली हुई बतकें कौन बतके भूल जाती हैं जैसे उनकी माँ होती है ना यहाँ टॉम एंड जेरी में आपने देखा होगा और उसके पीछे बच्चे छोटे छोटे भागते रहते हैं सो so ये माँ अगर बहुत आगे निकल जाती है तो ये बच्चे इधर उधर घूमने लग जाते हैं सो so ये लोकसभा है माँ आगे निकल गई है दे कांट गेट रिलेक्टेड उनको एक सही विजन नहीं दिख रही तो वो इधर उधर निकल जाएंगे सो दीज आर लेम डक एम पीज टू स्कीम्स वर इन न्यूज़ फर्स्ट इज स्मार्ट सिटीज़ एंड सेकेंड इज़ अमृत वट इज़ अमृत अटल मिशन फॉर रीजोनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एज इट इज़ एविडेंट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म इट सेल्फ वी हैव टू ट्रांसफॉर्म

Pune will be designated as a smart city. And now, the government of Maharashtra as well as the local bodies of Pune will try to develop the core infrastructure. They will provide the clean and sustainable environment to their citizens. So, they will provide minimum amenities so that a decent quality of life can be lived by their citizens residing in that particular area. So, this is called Smart Cities Mission. अंडरस्टूड तो ये जून 2015 में ही लॉन्च करा गया हुआ था मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट तो इतना सा आप याद रखना अगला आर्टिकल है भारत नेट प्रोजेक्ट सो इसका बेसिक फंडा क्या है देखिए कोई भी प्रोजेक्ट या स्कीम आप पढ़ते हैं उसका पहले बेसिक फंडा पढ़िए और सेकेंडली उसमें जो फैक्ट्स हैं वो पढ़िए है। अगर आपको फैक्ट्स भूल भी जाते हैं तो आपको बेसिक चीज़ें पता है भारत नेट प्रोजेक्ट क्या करेगा जैसे यहाँ नाम में ही है नेट

अब इसका थोड़ा पढ़ लेते हैं फैक्ट्स अब इसको स्कीम को चलाने के लिए कुछ फंडिंग होनी चाहिए तभी तो कोई स्कीम चलेगी तो स्कीम की फंडिंग कहाँ से आती है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड देखिए वी हैव अ लॉट ऑफ टेलीकॉम ऑपरेटर्स बट दे आर प्राइवेट एंड येस सम आर गवर्नमेंट ऑल्सो सो गवर्नमेंट टेलीकॉम प्लेयर्स विल इनहेरेंटली गेट इन्वॉल्व इन दीज प्रोजेक्ट्स But what about private players? They are more of a profit motive. So government cavalry, ki dehi private players. We are allowing you to maximize your profit and connect the areas in which you feel suitable that you will generate enough revenue. But there is a social cost to this. We are providing you such a huge funds. The citizens are providing you such a huge funds. So in reciprocate यू हैव टू गिव अ सम फंड्स इट इज मोर लाइक अ सी एस आर कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सो दीज टेलीकॉम प्राइवेट प्लेयर्स विल कीप अवे समंड्स फ्रॉम द प्रोफिट एंड पोर्टेट इन यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड और यही जो फंड्स इकट्ठा हो जाएंगे इन द यू एस ओ एफ डेट विल बी डाइवर्टेड टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट ऑफ भारतनेट सो आप पढ़ लेते हैं जल्दी से भारत नेट प्रोजेक्ट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम कैसे करना है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से तो ऑप्टिकल फाइबर इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड सो कोई भी स्कीम आप पढ़ेंगे ना वो डायरेक्ट एक बड़ी कंपनी के अंडर इधर गवर्नमेंट और प्राइवेट कभी नहीं आएगी देर इज अ स्पेशलाइज व्हीकल बोल देते हैं इसे डेट विल भी फॉर्म विच इज़ अ कंपनी सब्सिडरी कंपनी ऑफ द पेरेंट कंपनी ताकि ये कंपनी पूरा फोकस हो इसको इम्प्लीमेंट करने में तो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड इज अ कंपनी डेट हैव बीन क्रिएटेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ भारत नेट प्रोजेक्ट कौन कौन एग्जीक्यूट कर रहा है इस प्रोजेक्ट को बी एस एन एल रेल टेल पावर ग्रिड फंड कहाँ से हो? मिल रहा है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड और जैसा कि मैंने बताया फंडा क्या स्कीम का हमें पूरे इंडिया के हाउस होल्ड कनेक्ट करने स्पेसिफिकली रूरल हाउस होल्ड्स कैसे कनेक्ट करना है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी और ये रूट हमें कहाँ लेके जाएगा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग अ रिपोर्ट फुल फॉर्म क्या है यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस किससे से रिलेटेड है ये रिपोर्ट स्कूल एजुकेशन तो इतना याद रखिए सो so और सब चीज़ें भी आप पढ़ सकते हैं बट इतना कम से कम याद रखिए इट इज़ कीपिंग द डेटा ऑफ स्कूल एजुकेशन नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग ताल वॉल कैनो लोकेशन इंपॉर्टेंट है कहाँ है फिलीपींस में यहाँ आपको रेड डॉट दिख रही होगी दिस इज द लोकेशन ऑफ ताल वॉल कैनो थोड़ी सी और जगह भी देख लीजिए यहाँ साउथ चाइना सी है इधर ऊपर मलेशिया आ जाएगा यहाँ पूरा मलेशिया होगा यहाँ छोटा सा होगा फिर मलेशिया लूजोन कौन से कंट्री का आइलैंड है फिलीपींस का या फिलीपींस का मैनीला आप यहाँ देख सकते हैं ताल वॉल कैनो के पास ही है देन मंदानों यहाँ मंदानो ट्रेंस भी आ जाएगा तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग प्रेजिडेंट रूल बेसिक्स के साथ पूरा ही रिवाइज कर देते हैं प्रेजिडेंट रूल कौन से आर्टिकल के अंडर आता है पहले ये बता दो 356, 352 सिक्स में नेशनल एमरजेंसी 356 में स्टेट एमरजेंसी जो कि इनफॉर्मल टर्म है बट प्रेजिडेंट रूल एंड 360 में फाइनेंशियल एमरजेंसी प्रेजिडेंट रूल इम्प्लाई क्या करता है इट मीनस सस्पेंशन ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट और इम्पोजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्ट रूल ऑफ द सेंटर इनफॉर्मली स्टेट इमरजेंसी भी बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोला जाता है कब लगती है वेन एवर प्रेजिडेंट इज सेटिस्फाइड डेट द कंस्टिट्यूशन मशीनरी ऑफ द स्टेट कांट बी रन इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन प्रेजिडेंट कैन इम्प्लाई और अप्लाई द प्रेजिडेंट रूल सुप्रीम कोर्ट हालांकि बोलता है कि मैंडेटरी चीज है कि गवर्नर रिपोर्ट इज मैंडेटरी

अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बाई द एंड ऑफ टू मंथ्स पर जैसे ही नेशनल एमरजेंसी का साइड इफेक्ट्स हमें समझ में आए तो नेशनल इमरजेंसी कर दी गई 352 में वन मंथ और बाकी टू मंथ ही रहने दिया तो इस स्टोरी से ये याद रखना सो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टू मंथ्स प्रेजिडेंट रूल हैज़ टू भी अप्रूव बाई बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट्स कैसे वा या सिम्पल फाइनेंशियल एमरजेंसी वाई सिंपल थ्री नेशनल एमरजेंसी वाया स्पेशल मेजोरिटी क्योंकि लग चुकी है ना हमें पता है नेशनल एमरजेंसी कितनी खतरनाक हो सकती है सो सिंपल मेजोरिटी कैसी मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंटेड वोटिंग वापस हाउसेस की अप्रूवल रिक्वायर्ड है यस इट इज रिक्वायर्ड कैसे जैसे ही एट द एंड ऑफ द सॉरी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सिक्स मंथ्स इफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट री अप्रूव दिस एक्सटेंशन ऑफ प्रेजिडेंट रूल सो येस प्रेजिडेंट रूल विल भी

legislations all the state legislature power will be entitled to the legislative houses that is lok sabha and rajya sabha it means parliament by our president then last is very important this is mandatory provision com at the implementation of president rule will automatically get dissolved no question about it but this is voluntary. The president either suspends or dissolves the state legislative assembly. It means what will happen to state legislative assembly, the lower house of the state, we can't tell for the sure, but Council of ministers are going to get dissolved. This is very clear. What is the revocation formula of president rule? President by a mayor proclamation can, रिवोक इेजिडेंट रूल फॉम अ स्टेट एट एनी गि पॉइंट ऑफ टाइम सो दिस रिवोकेशन डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल अगला आर्टिकल है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में क्यू सी आई शॉर्ट फॉर्म एज द नेम सजेस्ट इट विल गिव द मिनिम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑल दिंग्स मटेरियल्स इन इंडिया और इन इंडियन मार्केट कब फॉर्म हुई थी नाइनटीन नाइन्टी सेवन में ऑटोनोमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अच्छा मैंने आपको बताया है ना पूछा है मैंने आपसे जीआई टैग कौन देता है इंडिया में तो आपको नीचे लिखना है हिंट दे रहा हूँ पर लिख देना जो चेयरमैन होता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इट हैज़ टू बी अपॉइंटेड बाई प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट सो दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक ये हमको याद रखना है प्राइम मिनिस्टर किसकी एडवाइस पे किसकी रिकमेंडेशन पे इंडस्ट्री की इट मीन्स प्राइवेट सेक्टर की रिकमेंडेशन पे अवर प्राइम मिनिस्टर विल अपॉइंट द हेड ऑफ़ द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जैसे कि मैंने बताया मैंडेट क्या है टू इस्टेब्लिश एंड ऑपरेट द नेशनल एक्रेडिशन स्ट्रक्चर एक्रेडिशन किसको देते हैं जिसपे आप भरोसा कर सको इसका मतलब क्वालिटी काउंसिल मिनिमम स्टैंडर्ड्स बताएगा ऑफ द वेरियस थिंग्स जो कि इंडिया में बेची जा सकती है सो इट विल प्रोवाइड इनडायरेक्टली द नेशनल एक्रेडिशन स्ट्रक्चर अब कोई भी फील्ड में हो सकती है हेल्थ में एजुकेशन में क्वालिटी प्रमोशन में सो देर आर टू एक्रेडिशन बोर्ड्स ऑफ द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कौन कौन सा ये नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज एंड नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम इंडियन नेवी के द्वारा बाइनियल इवेंट है कब से स्टार्ट हुआ था 2008 से सो बेसिक थीम क्या है इस इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम की इंडियन ओशन रीजन में हमको मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड रीजनल सिक्योरिटी बढ़ानी है हमें इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स देना है फॉर द ह्यूमिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ मिशंस में सो so इन सब के लिए बेसिकली हमें कोऑपरेशन बढ़ानी है सो इसी इंडियन नेवी ने फ्रॉम 2008 इट इज़ अ बाइनियल इवेंट जितनी भी इंडियन ओशन की कंट्रीज है वी so कॉल अप देयर नेवीज एंड ब्रेन स्ट्रॉ आइडियाज़ कैरी आउट प्लैंड डिस्कशंस टू एनहैंस आवर रीजनल सिक्योरिटी सो आई यू एन एस इज़ अ वॉलेंट्री एंड इंक्लूसिव इनिशियेटिव याद रखना वॉलंट्री है ट्वेंटी ट्वेंटी वन ईयर से लेके अप टू टू ईयर्स फ्रांस हैज़ द चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम ट्वेंटी फोर मेम्बर नेशंस हैं इसके डेट टच और लाइव विद इन द इंडियन ओशन रीजन नेक्स्ट आर्टिकल इज़ प्रोजेक्ट बोल्ड फुल फॉर्म क्या है बैम्बू ओ एस ऑन लैंड इन ड्रॉट किसने लॉन्च किया है के वी आई सी ने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने के वी आई सी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं तो के वी आई सी इज़ अ स्टेटूटरी बॉडी एक्ट के द्वारा बनी गई है कौन सा एक्ट है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ नाइनटीन फिफ्टी सिक्स सो इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये याद रखना क्या करती है प्लानिंग प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स डेटा रिलेटेड टू खादी एंड अदर विलेज इंडस्ट्रीज़ कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ एम एस एम ई के तो ये सब याद रखना और प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है बैम्बू ओ एस एज ऑन लैंड इन ड्रॉट इसका मतलब जो भी ड्रॉट वाले लैंड हैं ज़मीन है उसके ऊपर हमें बैम्बू बना के उसकी थोड़ी फर्टिलिटी लानी है तो यही है प्रोजेक्ट बोल्ड नेक्स्ट आर्टिकल इज किंग कोबरा मिला है तिलारी रिजर्व कहाँ है ये तिलारी रिजर्व महाराष्ट्र में किंग कोबरा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन स्टेटस आई यू सी एन वलनरेबल साइट्स की अपेंडिक्स टू में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू के स्कड्यूल टू में वन ऑफ द मोस्ट वेनमस स्नैक्स ऑन द प्लेनेट एंड द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल वेनमस स्नैक्स दीज आर द ओनली स्नैक्स इन द वर्ल्ड डेट बिल्ड नेस्ट फॉर द एक्स तो ये मेरे लिए भी न्यू इन्फॉर्मेशन थी आप भी याद रखना नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 पिछली बार भी नियोका की सीरीज़ में हमने किया था इस बार भी कर रहे हैं सो यू नो इफ यू रिवाइज अगेन एंड अगेन दीज थिंग्स विल गेट एम इन अवर माइंड देख लेते हैं जल्दी से इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट प्रोग्राम टू एम्फोसाइज द नीड फॉर फैमिली प्लानिंग इन नाइनटीन फिफ्टी टू एंड बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू सो सो अब ये पास्ट था हिस्ट्री जान ली हमने अब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी दो हजार के प्रोविजन थोड़ा जान लेते हैं द पॉलिसी एम्स एट कर्बिंग द आई एम आर इन्फेंट मोटेलिटी रेट इन्फेंट मोटेलिटी रेट इसका मतलब हाउ मैनी इन्फेंट्स आर डाइंग पर थाउजेंड लाइव बर्थ्स इन्फेंट्स क्या होते हैं दोज हु आर लेस देन वन ईयर दोज बेबीज हु आर लेस देन वन ईयर एंड दे आर डाइंग सो याद क्या रखना है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम नापते हैं पर थाउजेंड लाइव बर्थ्स तो ये हमको थर्टी के नीचे लानी है एम एम आर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये कितने पे नापते हम वन लाख लाइव बर्थ्स पे इसका मतलब कितनी माँ मर जाती हैं आफ्टर गिविंग वन लाख लाइव बर्थ्स समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ जैसे यहाँ हॉस्पिटल है इसमें एक लाख माँओं ने बच्चों को जन्म दिया है ऐसी कितनी माएँ हैं जो बच्चे को जन्म देने के बाद मर गई हैं सो so, ऐसी रेट को बोला जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सो ये भी हमको कितने से कम लाना है हंड्रेड से हंड्रेड पर वन लैख लाइव बर्थ और करेंटली हम कितने पे? हैं वन हंड्रेड थर्टी इसका मतलब अगर इस टाइम में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इफ़ देर आर वन लैख लाइव बर्थ सो वन हंड्रेड थर्टी मदर्स आर डाइड इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट अनदर इम्पॉटेंट फीचर ऑफ़ द पॉलिसी इज़ टू अटेन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन अगेंस्ट प्रीवेंटेबल डिसीजिज़ फिर हमें एट्टी परसेंट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ करवानी है बेबीज़ की एंड हंड्रेड परसेंट डिलीवरीज बाई ट्रेनड प्रोफेशनल्स आज भी विजिज़ में दाई जिसे बोलते हैं हम दो आर अनट्रेड प्रोफेशनल्स उनको बस एक्सपीरियंस है थोड़ा सा सो so, वो हेल्प करते हैं इन द डिलेवरीज़ बट हमें ये ट्रेन्ड परसन्स को काम देना चाहिए एंड डेट्स वाई द पॉलिसी एंड शाइन्स हंड्रेड परसेंट डिलीवरीज बाई ट्रेन परसन एंड द लास्ट इज इट ऑल्सो एम्स टू रीच अ स्टेबल पॉपुलेशन बाई द ईयर ट्वेंटी फोर्टी फाइव ना थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट है इंडिया इज होम टू सेवनटीन पॉइंट सेवन परसेंट इट मीनस बेसिकली एटीन परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट वन परसेंट इसका मतलब हर साल हमारे में वन परसेंट पॉपुलेशन ऐड हो जाती है हमारी कितनी है एक सौ पैंतीस करोड़ सो एक सौ पैंतीस करोड़ का एक परसेंट निकाल लीजिए वन पॉइंट थ्री फाइव करोड़ इतने हमारे ऐड हो जाते हैं हर साल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन नाइनटीन एटी टू वस टू पॉइंट थ्री सिक्स बट उसके बाद देयर इज़ स्टडी डिक्रीज़ और अब कितनी है वन परसेंट पे आ चुकी है पॉपुलेशन डेंसिटी देख लीजिए कितनी ज़्यादा है हमारे पास फ़ोर सिक्सटी फोर पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडियन मेल्स इज़ सिक्सटी नाइन पॉइंट टू ईयर्स एंड डेट ऑफ फीमेल्स इज़ सेवनटी वन पॉइंट एट ईयर्स पैंतीस परसेंट सिटीजनस ऐसे हैं जो कि अर्बन एरियाज़ में रहते हैं एंड सिक्सटी फाइव परसेंट लिव इन रूरल एरियाज फोर मेट्रो सिटीज़ मुंबई डेली बेंगलुरू एंड कोलकाता एंड चेन्नई ऑल्सो फाइव आर द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ इन इंडिया इन्फेंट मोर्टलिटी रेट अभी हमने पढ़ा था सो so उसका रेट क्या है हमारे पास 26.6 इसका मतलब 30 से तो कम हो गया जो भी एन में हमने पढ़ा था बट इट इज़ स्टिल वेरी हाई सो 26.6 पॉइंट सिक्स इन्फेंट्स आर डाइंग पर थाउजेंड लाइव बर्थ्स और जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं हमारे पक्ष में है वो ये है ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 25 फाइव ईयर्स द लास्ट पॉइंट इज द फर्टिलिटी रेट इज ऑन अ डिक्लाइन इसका मतलब फर्टिलिटी रेट क्या है इट मीन्स एक माह कितने बच्चों को अपने रिप्रोडक्टिव एज में जन्म दे सकती है डेट इज़ फर्टिलिटी रेट सो इन 1966 इट वाज 5.7 पॉइंट सेवन बर्थ पर वुमेन दो में इट इज टू बर्थ्स पर वुमेन सो इट हैज़ बीन डिक्रीजिंग दिस इज ओनली पॉइंट टू लेस देन द आइडियल रिप्लेसमेंट रेट ऑफ टू रिप्लेसमेंट रेट क्या होते हैं जब बर्थ रेट इज्कल टू डेथ रेट जब ऐसा हो जाएगा सो so जितनी पॉपुलेशन ऐड हो रही होगी उतनी ही पॉपुलेशन मर रही होगी सो इट विल स्टेबलाइज आवर पॉपुलेशन सो अभी भी हमारे इंडिया में बर्थ ज़्यादा हो रही है और लोग मर कम रहे हैं मर कम क्यों रहे हैं बिकॉज नाउ वी हैव एडवांस्ड हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिटीजन्स की इंडियंस की ज़्यादा हो गई है क्यों बिकॉज वेरियस मेडिसिन आर देयर वेरियस क्योर्स आर देयर वैक्सीन्स आर देयर एंड मोर ओवर बर्थ रेट कैसे ज़्यादा हो रहा है यहाँ भी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ अभी हमने पढ़ा था ना कि ट्रेंड इंडिविजुअल्स विल गेट एम्प्लॉयड इन द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हंड्रेड परसेंट में सो so, इन्फेंट्स या बच्चों की डेथ भी कम हो रही है और ऊपर से बूढ़ों की एज भी ज़्यादा हो रही है सो दिस इज़ ऑल द बैलेंसिंग ऑफ रिप्लेसमेंट रेट तो हमारी अभी बर्थ रेट कितनी है मतलब फर्टिलिटी रेट कितनी है टू पॉइंट टू टू बर्थ पर वुमेन और हमारी रिप्लेसमेंट कितनी है अप्रोक्सीमेटली टू सो इतनी और कम करनी है टू गेट अवर पॉपुलेशन स्टेबलाइज नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन सो एज वी ऑल नो देर आर टू टाइप्स ऑफ डिटेंशन नंबर वन इज प्यूनेटिव डिटेंशन एंड द सेकेंड वन इज प्रिंटिव डिटेंशन वेन एवर अ पर्सन कमिट्स अ क्राइम सो इन कंसोनेंस विद द सीवरिटी ऑफ क्राइम इट विल बी एवॉर्डेड सर्टेन पनिशमेंट एंड डैट इज़ कॉल्ड प्युनिटिव डिटेंशन इसमें क्या होगा आपको जेल टर्म हो सकती है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और जैसे आई पी सी और सी आर पी सी में बहुत सारी पनिशमेंट लिखी गई हैं इन कंसोनेंस विद द क्राइम कमिटेड बाई यू वैसे ही आपको दंड मिलेगा सज़ा मिलेगी बट इन द प्रिन्टिव डिटेंशन बिफोर यू आर कमिटिंग अ क्राइम इट मीन्स पुलिस हैज़ सस्पीशन और हैज़ सम वैलिड प्रूफ डेट अ स्पेसिफिक पर्सन इज गोइंग टू कमिट क्राइम इन द नियर फ्यूचर सो टू अवॉइड दिस होल सिनेरियो ऑफ क्राइम द पुलिस विल टेक दिस पर्सन टू द जेल एंड विल कन्फाइन एट देयर इसका मतलब वो कमिट करने ही नहीं देना चाहती क्राइम कौन नहीं करने देना चाहती पुलिस सो so, यही लिखा है प्रिवेंटिव डिटेंशन इन्वॉल्व द डिटेनमेंट ऑफ अ पर्सन इन ऑर्डर टू कीप देम फ्रॉम कमिटिंग फ्यूचर क्राइम्स नाउ इन प्यूनिटिव डिटेंशन हमें पता है जैसे ही पुलिस ने हिरासत में लिया उसके ट्वेंटी फोर आर के भीतर भीतर एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम इसका मतलब अगर दस किलोमीटर का रास्ता है और बीच में बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है मान लीजिए क्रेन उल्टी हो गई तो उसमें तो बहुत ही टाइम लगेगा मान लीजिए डेढ़ दिन लगा तो ऐसा नहीं है कि पुलिस को इस पर्सन को छोड़ना पड़ेगा नहीं एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम पुलिस हैज़ टू प्रजेंट द एलीज्ड क्रिमिनल बिफोर द मजिस्ट्रेट तभी वो उसकी सज़ा बढ़ा सकते हैं या कोर्ट से जैसे भी उसे बेल मिले या जो कुछ होगा वो मैजिस्ट्रेट ही करेगा बट इन द प्रिवेंटिव डिटेंशन केस दिस कन्फाइनमेंट कैन एक्सटेंड अप टू थ्री मंथ्स तो थ्री मंथ्स तक आपको जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की ड्यूटी ख़त्म हो जाती है नौ देर आर सम सम्पल्स ऑफ प्रिवेंटि डिटेंशन लॉ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट नाइनटीन सेवनटी एट नैशनल सिक्योरिटी एक्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जिसको हम युवापा भी बोलते हैं फिर ये मकोका महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट सो आप एक बात नोटिस कर पा रहे हैं सेंटर एज वेल एज स्टेट बोध हैज़ पावर ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बिफोर जम्पिंग स्ट्रेट टू दिस स्पेसिफिक टॉपिक लेट अस अंडरस्टैंड वट इज़ प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक लीगल एंटिटी है इसका मतलब लीगल एंटिटी है मतलब एक कंपनी है ठीक है एज अ रजिस्टर्ड एज अ कंपनी और एज अ सोसाइटी कैसे भी ये रजिस्टर होनी चाहिए तभी वो लीगल एंटिटी होती है किसकी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की एग्जाम्पल क्या है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लाइक फार्मर्स मिल्क प्रोड्यूसर्स वीवर्स रूरल आर्टिशंस क्राफ्ट पर्सन एक्सेट्रा सो जिस भी कैटेगरी में हम देख रहे हैं प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अगर हम मिल्क की कैटेगरी में देख रहे हैं तो यहाँ आगे आ जाएगा मिल्क प्रीफिक्स हो जाएगा मिल्क प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अगर हमको फार्मर के लिए चाहिए तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गई बात अब थोड़ा सा और देख लीजिए ये लास्ट वाली स्टेटमेंट पार्टिसिपेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबरशिप पैटर्न ऑफ दीज कंपनीज आर मोर और लेस सिमिलर टू द कोऑपरेटिव कॉपरेटिव सोसाइटी पता है ना हमें सो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैज़ गिवन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सो so, आप ये लिख देना तो जो पार्टिसिपेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप ये सब होगा इस प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का जो कि एक लीगल एंटिटी है मतलब एक कंपनी है तो वो सिमिलर होगा टू द कोऑपरेटिव्स बट इट्स डे टू डे फंक्शनिंग इट मींस पॉलिसी मैटर्स कैसे बिजनेस मॉडल अपनाना है व्हाट इज़ आवर स्ट्रेटजी ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैसे हमको एग्रीगेशन मॉडल बनाना है कि सारे साइड से मिल्क यहाँ इकट्ठा होने आए है हाँ ना तो ये सब किसके रिसेंबल करेगा प्रोफेशनली रन प्राइवेट कंपनीज तभी तो ये जो पी ओ होगा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होगा इसको प्रॉफिट मिलेगा एंड डेट प्रॉफिट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेम्बर्स सो ये होता है प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अब देख लेते हैं फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सो so, फार्मर अगर प्रीफिक्स एड हो चुका है इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट फार्मर्स कंपनी एफ पी ओज आर वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेश कोऑपरेटि है कॉपरेटिव में तो कोई भी हिस्सा ले सकता है कंट्रोल्ड बाय द फार्मर मेंबर्स क्यू फार्मर मेंबर्स बिकॉज है ही फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड दीज फार्मर्स विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सेटिंग देयर पॉलिसीज एंड मेकिंग डिसीजन सो डे टू डे फंक्शंस लाइक अ प्राइवेट कंपनी एंड इसकी मेम्बरशिप कैसे होंगी वो सिमिलर टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जैसे मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन ये सब होगी इसका मतलब दे आर ओपन टू ऑल परसन टू यूज देयर सर्विसेज़ एंड विलिंग टू एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मेंबरशिप विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पांसिबिलिटीज सो टू गेट अ मेंबरशिप देर आर सर्टेन ऑब्लिगेशन ऑन यू ऑल्सो सो उसी को बोला गया रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी हिस्सा ले सकता है विदाउट जेंडर सोशल रेशियल पोलिटिकल रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन अब ये एफ पी ओज़ बहुत सारे काम भी करती हैं देखिए इनको मेन काम क्या है बनाने का अभी हम आगे एक और पढ़ेंगे एस एफ ए सी स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोटियम ऐसे करके कुछ नाम है अभी हम पढ़ेंगे इसी के अगली स्लाइड में सो देखिए इनका काम है कि एफ पी ओज़ बनाना अभी के जबरदस्ती एफ पी ओ बनाएंगी नहीं देखिए एक गाँव है गाँव का नाम है वाई इस गाँव में थर्टी थ्री मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं बट दीज आर इंडिपेंडेंट मिल्क प्रोड्यूसर्स इसका मतलब कोई दो किलो निकाल रहा है लीटर मान लीजिए कोई दो लीटर निकाल रहा है कोई बाईस लीटर निकाल रहा है कोई पंद्रह लीटर निकाल रहा है कोई दस लीटर दूध निकाल रहा है एंड दे आर रनिंग देर बिजनेस इंडिपेंडेंटली अंडरस्टूड अब क्या हुआ इनके शहर में आ गई एक बहुत बड़ी कंपनी प्राइवेट कंपनी मान लीजिए अमूल आ गई अब अमूल का बिजनेस कैसे होता है दे टुक मिल्क फ्रॉम दिस प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड देन उसको प्रोसेस करती है एंड देन दे डिस्ट्रीब्यूट टू सिटीज ये होता है उसका बिजनेस मॉडल अब देखिए मान लीजिए आप अपनी जगह इस दो लीटर दूध वाले के ऊपर देखिए कि आपके पास ये दो लीटर दूध है एंड यू वेंट टू अमूल टू सेल इट नो अमूल हैज़ गॉट इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू फिक्स द प्राइस ऑफ टू लीटर मिल्क वो बोलेगा तुम्हारा दो लीटर दूध इतना काम का नहीं है तुम्हारे पीछे से वो बाईस लीटर वाला भी आने वाला है उसका दूध ज़्यादा काम का है वो ज़्यादा क्वान्टिटी में सो यू नो द इंडिपेंडेंस ऑफ फिक्सिंग द मिल्क ऑफ दिस टू लीटर पर्सन विल गेट रिड्यूस्ड तो इसीलिए ऐसा फेसी क्या करता है ऐसे ही इंडिपेंडेंट फार्मर्स को मिल्क प्रोड्यूसर्स को दे टेन टू गिव नॉलेज एंड देन एकुमलेट दैम इन अ और अंडर अ सोसाइटी या कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी अब ये जब फार्मर जाएंगे इस कंपनी के पास अमूल के पास दूध बेचने तो ये अलग अलग नहीं जाएंगे ये सारे मिलके एक साठ लीटर दूध लेके जाएंगे एंड नाउ द बार्गेनिंग पावर ऑफ फार्मर्स विल गेट एनहांस्ड क्यों क्योंकि अमूल को साठ लीटर एक साथ मिल रहा है दूध कहाँ ये अलग अलग आके सबके पास बार्गेनिंग करनी पड़ रही थी ये साठ लीटर दूध अमूल को एक जगह से मिल रहा है एंड डैट्स वाई द बार्गेनिंग पावर द बॉल इज इन फार्मर्स हैंड ये फिक्स करेंगे प्राइस सो इसीलिए फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए थोड़े से बेनिफिट्स देख लीजिए फॉर फॉर्मिंग एफ पी ओ डिलाइनिंग एवरेज लैंड होल्डिंग साइज अभी मैंने मिल का एग्जाम्पल दिया था ऐसे ही आप एक किसान जो कि अनाज बो रहा है उसका एग्जाम्पल ले लीजिए एक एकर लैंड जीरो पॉइंट एट एकर लैंड टू एकर लैंड फाइव एंड टेन अलग अलग गेहूँ बेचने जा रहे हैं टू अ पर्सन मान लीजिए होल के पास सो बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर्स आर रिड्यूस्ड बट वट अबाउट ऑल द फार्मर्स विल गेट इन टू एन अम्बरेला और कंसोटियम एंड होल अनाज होल ग्रेन्स विल बी मिक्स टूगेदर एंड अ फिफ्टी के जी बोरी विल बी गिवन टू द होल सेलर सो द बार्गेनिंग पावर किसके हाथ में आ गई टू द फार्मर्स सो लैंड होल्डिंग साइज को कंपनसेट कर देगा ये चीज़ निगोशिएटिंग विद कॉपरेट्स अच्छी तरह मैंने समझा दिया इकोनॉमीज ऑफ एग्रीगेशन देखिए कंपनीज जो होती हैं वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पर काम करती हैं मान लीजिए एक बूढ़ी औरत है गांव में वो स्वेटर बुनती है और बहुत ही हाई क्वालिटी स्वेटर है शीप से उतार के लाती है भेड़ से उतार के लाती है उसके खुद की भेड़ है सूई खरीद रखी है उसने और उसी से एम्ब्रॉयड्री करके बहुत ही अच्छे से स्वेटर बना के देती है और टॉप क्वालिटी है यहाँ एक कंपनी ने क्या किया ऐसा ही पर्टिकुलर ऐसी ही शर्ट बनानी स्टार्ट कर दी एंड नाउ एज दिस प्राइवेट प्लेयर हैज़ बिग मशीनरी सो उसी मशीन से यहाँ निकल जाती हैं फाइव हंड्रेड शर्ट्स सॉरी स्वेटर्स इन वन आर और यहाँ इनको मैडम को दो दिन लगते हैं टू वीव वन स्वेटर सो दिस इज़ कॉल्ड इकनॉमीज ऑफ स्केल यस वी आर इन्वेस्टिंग मोर बट हमारा रिटर्न तो बहुत ज़्यादा आ रहा है ना सो दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो यही लिखा गया है इकनॉमीज़ ऑफ़ एग्रीगेशन जैसे ही ये सब 50 किलो के बोरी में डाल दिया सो इकोनॉमीज ऑफ एग्रीगेशन आ गया हमारे पास हमारे पास बार्गेनिंग पावर आ गई कि 50 किलो डायरेक्ट खरीदना है तो खरीदो नहीं तो हम दूसरे होल को बेच देंगे एंड नेक्स्ट इज सोशल इम्पैक्ट रिगार्डिंग वुमेन देखिए इसे सोशल एम्पावरमेंट भी हो सकता है कैसे वुमेन फार सॉरी प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन अगर हम ये बना देंगे सो देर आर आई थिंक महाराष्ट्र का एक केस है मैं लाइव डॉक्यूमेंट्री देखा था शायद से यूट्यूब पे तो उसमें था कि एक जो महिला है उसने अचार का बिजनेस स्टार्ट किया था इन द विलेज ऑफ महाराष्ट्र और अभी वो बहुत ही बड़ी कंपनी बन चुकी है सो दिस इज़ सोशल इम्पैक्ट रिगार्डिंग वुमेन एस एफ ए सी के बारे में और पढ़ लेते हैं स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है ऑटोनस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स एंड सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर क्या करता है वही काम है प्रोमोटिंग एग्री बिजनेस बाई एनकरेजिंग इंस्टीट्यूशनल एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स एंड लिंकेजेस टू इंश्योर द एम्पावरमेंट ऑफ ऑल फार्मर्स इन द कंट्री एंड डेट्स वाई इट इज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग एंड प्रोमोटिंग एफ पी ओस पेरू वॉज इन न्यूज़ थोड़ी लोकेशन देख लेते हैं इसकी दिस इज द मैप ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टीनेंट कहाँ पेरू ये रहा पेरू राजधानी क्या हो गई लीमा एटलांटिक ओशन से यहाँ टच हो रहा है दो ही कंट्रीज देर आर ओनली टू कंट्रीज आर लैंड लॉक्ड इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट दो आर बोलोविया एंड परागुए एंड माइंड यू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासिस थ्रू परागुए दस डिवाइडिंग पराग्वे इंटू नॉर्थ पराग्वे एंड साउथ पराग्वे बोलीविया से पास नहीं होती अच्छी तरह ध्यान रखना तो कहाँ कहाँ से पास होगी चिली या चाइल्ड अर्जेंटीना पराग्वे एंड ब्राज़ील तो यहीं से पास होती है बस उरुग्वे कंट्री बहुत लोगों को नहीं पता वो भी देख लीजिए यहाँ छोटी सी कंट्री है मोंटिविडियो राजधानी है सो अच्छे से मैपिंग सीरीज में भी हम पूरी वर्ल्ड जोग्राफी एंड इंडियन जोग्राफी कवर करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग गवर्नर सो बेसिक्स से रिवाइज कर लेते हैं अपॉइंटमेंट कौन करता है सबसे पहले प्रेजिडेंट टेन कितनी है फाइव ईयर्स की क्या टेन्योर से पहले भी हटा सकते हैं येस yes. कौन हटाएगा प्रेजिडेंट क्या टेन के बाद भी ही कैन सर्व इन इट्स ऑफिस यस सो बेसिकली प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जब तक प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि गवर्नर अपनी ड्यूटी सही से कर रहा है सो यस ही कैन रिमेन इन ऑफिस वैसे टेन कितना है फाइव ईयर्स का गवर्नर पूरा चैप्टर और प्रोविजंस कौन से आर्टिकल के अंडर है आर्टिकल 153 फिफ्टी टू आर्टिकल 162, ड्यूअल रोल है सबको पता ही है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है एंड काइंड ऑफ एजेंट ऑफ सेंटर है फोर्टनाइट रिपोर्ट भेजता है हर पंद्रह दिन में कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन द स्टेट मतलब रूलिंग गवर्नमेंट इन द स्टेट इज गवर्निंग द स्टेट इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे भेजता रहता है और जब एक बार गवर्नर ने बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज बिन फेल्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर देन प्रेजिडेंट आ जाएगा भाई मैं तो प्रेजिडेंट रूल लगाऊंगा गवर्नर की क्वालिफिकेशनस क्या है सिटीजन ऑफ इंडिया थर्टी फाइव ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट करनी है नॉट अ मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड डू नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कन्वेंशन भी है दो तीन बट दे आर रेगुलरली वेटेड कैसे ही कन्वेंशनस हैं जैसे अगर स्टेट में कोई पॉलिटिकली एक्टिव है सो so, उसको वहाँ स्टेट का गवर्नर नहीं बनाया जा सकता लास्ट फाइव ईयर्स या थ्री ईयर्स आई थिंक अगर स्टेट में कोई पॉलिटिशियन एक्टिव है सॉरी नेशनल पॉलिटिक्स में एक्टिव है सो so उसको भी गवर्नर मत ही बनाओ ऐसा कन्वेंशन में लिखा है बट दीज आर वॉलीटेड फ्रीकुनली नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सबसे पहली एंड इंपॉर्टेंट बात सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ठीक है हंड्रेड परसेंट फंडस कौन देगी यूनियन या सेंटर अब नाम से ही समझ आ रहा है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर वी हैव टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड उसी के हिसाब से एक फंड बनाया गया है सो सेंटर विल पुट सम फंड्स इन दिस ए आई एफ एंड ए आई एफ विल गिव डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी इट मीन्स आसान भाषा में लोन देगा क्यों देगा फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द वायबल प्रोजेक्ट्स फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी

फाइव परसेंट के दर पे मतलब रेट पे लोन मिल रहा है कितना एक लाख का सो आफ्टर वन ईयर वी हैव टू पे फाइव परसेंट ऑन वन लैख ज़्यादा देना पड़ेगा बट अगर आपने टाइम पे ही दे दिया ये विद इन वन ईयर यू आर एबल टू रिपे द प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज द इंटरेस्ट सो ये फाइव परसेंट नहीं आपको गवर्नमेंट बोलेगी आप बहुत ही अच्छे नागरिक हो आप तीन ही परसेंट दो सो दिस इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट सबवेंशन फंड को मैनेज कौन करेगा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम सो दिस विल मॉनिटर एंड मैनेज द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फिर से जीका वायरस न्यूज़ में था देख लीजिए क्या है जीका वायरस मतलब वायरस है मॉस्किटो बोर्न फ्लेवी वायरस सबसे पहले कहाँ आइडेंटिफाई किया गया था युगांडा में 1947 में किस में मंकीज़ में सारी बीमारियां ये मंकीज़ से आती ज़्यादातर मैंने तो यही देखा है सो एडिज़ इजिप्टी वही हमारा सबसे प्यारा मॉस्किटो वो ये वायरस लेके उड़ता है और कहाँ बै कहाँ बैठता है हम सबको पता है और यही एडिज़ इजिप्टी क्या क्या कॉज करता है डेंगी डेंगी इज़ ऑल्सो वायरस चिकनगुनिया येलो फीवर सब वायरस हैं ये तो याद रखना मलेरिया क्या है मलेरिया इज़ अ पैरासाइट ज़ीका वायरस माँ से बच्चे में भी जा सकता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से जा सकता है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से जा सकता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सो दीज आर वेरियस मेथड्स फ्रॉम विच ज़ीका वायरस कैन ट्रांसमिट अगर जीका वायरस इन्फेंट्स को हो गया सो इट कैन कॉज माइक्रोसेफेली माइक्रोसेफेली क्या होता है हेड है ना वो छोटा होता है विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी साइज ऑफ द इन्फेंट नो वैक्सीन और मेडिसिन फॉर जीका वायरस ये भी याद रखना नेक्स्ट आर्टिकल इज़ हैती तो हैती की लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है सो so ये आपको पता चल रहा है कहाँ का मैप है यहाँ से पता चल गया होगा सो दिस इज़ वेस्ट इंडीज़ अगर ये वेस्ट इंडीज़ है और यहाँ को क्यूबा दिख रहा है तो यहाँ पूरा ये क्यूबा हो जाएगा यहाँ से ऐसे देन यहाँ यूकटन पेनंसुला हो जाएगा मैक्सिको का और देन ऊपर यहाँ यूएसए आ जाएगा तो हैथी एरा भामाज यहाँ आएँ डोमिनिकन रिपब्लिक यहाँ है कैरेबियन सी यहाँ है सो तो आपको इन्फॉमेशन अच्छी तरह समझ आ गई होगी नासा मिशंस बहुत ही न्यूज़ में रहते हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए थोड़ा सा रिवाइज़ हो जाएगा आपका कासिनी मिशन तो कासिनी ह्यूजेंस ये रोवर का नाम था आई थिंक सो इट इज़ अ अनमैंड स्पेस क्राफ्ट सेंड टू द्लैट सैटन अफकोर्स ये सैटन पर भेज रहे हैं तो अनमैंड ही होगा वोएजर वन एंड वोएजर टू ये क्या कर रहे हैं ये है हमारे प्लैनेट्स और यह हीलियोपोस ठीक है कैसे याद करने हैं प्लैनेट्स जोग्राफी कोर्स में बताऊंगा माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट शोड अस नाइन प्लैनेट्स मर्क्योरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटन यूरिनस नेपच्यून एंड द डॉफ प्लानट प्लूटो और उसके बाद आता है हीो देन ऊट क्लाउड्स कम सो so, ये जो वोएजर वन एंड वोएजर टू हैं इनको हमने अर्थ से छोड़ा था और ये सब की फोटो खींचते हुए सेल्फी खींचते हुए प्लैनेट्स की कहाँ तक पहुँच गए हैं ही पोस्ट तक पहुँच गए हैं सो वोएजर टू टू फ्लाइंड बियॉन्ड ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम नासा के मिशन है दोनों याद रखना नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन बहुत ही न्यूज़ में था एक दो साल से सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है स्टेटूटरी बॉडी है आर टी आई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत बनाई गई है कंपोजिशन क्या है सी आई सी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्लस नॉट मोर देन टेन मेंबर्स अपॉइंट कौन करेगा सबको अवर प्रेसिडेंट विल अपॉइंट रिकमेंडेशन कौन देगा एक कमेटी देगी कमेटी में कौन कौन होगा प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट जो कि प्राइम मिनिस्टर ही चुनेंगे ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे या तो सिक्सटी फाइव और एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सो दिस इज द

तो वो एक्सपोर्ट करता है और अ शिप कॉल्ड जजिया मान लीजिए जजिया ध्यान में आ रहा है अभी बस सो so, जजिया शिप है वो पूरा कंसाइनमेंट इंडिया में लेके आती है इंडिया में एक ट्रैक ड्राइवर है उसके पास कंसाइनमेंट आता है और वो रमेश तक पहुंचा रहा है इंडिया में सो दिस इज़ होल कॉल्ड एज सप्लाई चेन ना वट इज़ ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर्स प्रोग्राम सो देखिए सबसे पहले तो ये वॉल्ट्री प्रोग्राम है किसके अंडर आता है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का जो सेफ फ्रेमवर्क है सेफ़ फ्रेमवर्क क्या है अभी हम थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में डेट नॉट डेट मच इम्पॉर्टेंट बट वर्ल्ड्स कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के सेफ प्रोग्राम के अंडर आता है इसमें क्या होता है अगर हम यहाँ जापान में जो होल है इसको हम ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर ए स्टेटस दे देंगे कौन देगा वर्ल्ड्स कस्टम ऑर्गेनाइजेशन अगर इसको ए स्टेटस दे, दे देंगे इसका मतलब रमेश को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि द प्रोडक्ट्स डेट ही इज रिसीविंग आर ऑफ बैड क्वालिटी या उसमें कुछ पॉइजनस मिक्सिंग है अंडरस्टूड सो so, यही पूरा फ्रेमवर्क को बोला गया है ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर्स प्रोग्राम डब्ल्यू के अंडर है क्या करता है इनडायरेक्टली सिक्योर एंड फैसिलिटेट ग्लोबल ट्रेड सो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो बस पॉइंट्स एक बार पढ़ लीजिए एनहांस इंटरनेशनल सप्लाई चेन सिक्योरिटी फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स वॉलेंटियर प्रोग्राम है ये अच्छी तरह ध्यान रखना और कौन देता है अप्रूवल ए ई ओ का डब्ल्यू सी ओ वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन जिसको भी ए ई ओ स्टेटस मिल गया इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सिक्योर ट्रेडर एंड रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर सो ये जो पूरी सप्लाई चेन है ये पूरी ही एक तरह से ट्रस्टवर्दी है सेफ फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा देख लीजिए फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड्स टू सिक्योर एंड फैसिलिटेट ग्लोबल ट्रेड इसी को बोला गया है सेफ़ फ्रेमवर्क किसके अंडर आता है ये इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंडर तो बेनिफिट क्या होगा जिसको भी ए ई ओ का स्टेटस मिल गया यहाँ इंडिया में और यहाँ यूएसए ए में सो so, जो कस्टम्स में रोका जाता है सामान चेक किया जाता है डेट विल भी हैसल फ्री जल्दी जल्दी इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा और ऊपर से क्या कम होगा देखिए जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्रीज हैं उनको ए ई ओ का स्टेटस बहुत मुश्किल से मिलने वाला है इट मीन्स

इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक इंडिया का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक बैंक है बैंक तो सबको पता ही है क्या रखते हैं बैंक में रुपए रखते हैं बट दिस इज़ लैंड बैंक तो लैंड बैंक हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है मतलब ऐसा बैंक जिसके पास लैंड है मनी के जगह और कैसा लैंड है इंडस्ट्रियल लैंड है इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है सौ एकड़ का दो एकड़ का एक एकड़ का ऐसा लैंड है क्यों बिकॉज इंडस्ट्रीज हैव टू सेटअप इन अ लार्ज एरिया सो यही है इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक इस बैंक में जो भी इन्वेस्टर देखना चाहेगा कि उसको कहाँ इंडस्ट्री बिल्ड करनी है अपनी सो इस बैंक में उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ लैंड अवेलेबल है इतने गज का है यहाँ से इस लैंड से मार्केट कितनी दूर है रॉ मटेरियल्स कितने दूर हैं नेचुरल रिसोर्सेज कितने दूर है जो जो चाहिए सो एवरी थिंग विल बी ऑन द टिप्स ऑफ द फ्यूचर इन्वेस्टर सो इसी लिए इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक को डेवलप किया गया है बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड तो यही है पूरी स्कीम पढ़ लेना थोड़ा नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग हाई आल्टीट्यूड याक ये रहा बाईसन की कैटेगरी में बोवाइन की कैटेगरी में आता है इट कैन टॉलरेट टेम्परेचर एज लो एज माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस सो दिस इज़ वेरी यूनिक थिंग एंडेमिक कहाँ हैं तिब्बतियन प्लाटू के इंडिया में कहाँ कहाँ मिल जाएगा ये चीज़ अरुणाचल प्रदेश सिक्किम उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर सो ऑल द हिली एरियाज़ ये लास्ट पॉइंट भी देख लीजिए बहुत ही तेज लगातार गति से इनकी पॉपुलेशन घट रही है और अब बस फिफ्टी एट थाउजेंड बचे हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द प्रोटेक्शन स्टेटसन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवन स्कडल स्पीकर ऑफ लोकसभा वॉज इन न्यूज बेसिक्स देख लेते हैं नाइनटी थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ बोथ स्पीकर एज वेल एज डेप्यूटी स्पीकर तो दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा ऑरिजिनेट कब हुआ था गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ नाइनटीन नाइनटीन मॉन्टफॉर्ड रिफॉर्म में स्पीकर की और डेप्यूटी स्पीकर की जगह बनाई गई थी बट उस टाइम इन्हें और कुछ बोला जाता था देन आई थिंक 1935 में इनको स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बोला जाने लग गया जो भी स्पीकर बन रहा है ही शुड बी अ मेंबर ऑफ द हाउस इलेक्शन कैसे होते हैं स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के जैसे ही नई लोकसभा आती है तो प्रेजिडेंट विल डिसाइड द डेट ऑफ स्पीकर एंड एज सुन एज द स्पीकर विल गेट इलेक्टेड देन द स्पीकर विल डिसाइड द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर एज सुन एज पॉसिबल मेजोरिटी कितनी चाहिए ओनली सिम्पल मेजोरिटी प्रजेंट एंड वोटिंग टर्म ऑफ ऑफिस कितनी है स्पीकर की फाइव ईयर्स रेजिग्नेशन दे सकता है पहले येस किस को डेप्यूटी स्पीकर को अच्छा ये एक यूनिक चीज़ है कि वेन द प्रजेंट लोकसभा इज गेटिंग डिजॉल्व क्योंकि फाइव ईयर्स कम्प्लीट हो चुके हैं लेम डेक सेशन हो चुका है तो अब क्या होगा देयर विल बी न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा नाउ द फर्स्ट डे ऑफ दिस न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा विल गेट प्रजेंटेड बाई द प्रीवियस दिस स्पीकर क्यों बिकॉज वी हैव टू इलेक्ट द प्रो टर्म स्पीकर इन द हाउस सो एज सुन एज प्रो टर्म स्पीकर विल गेट इलेक्टेड दैन इमीडिएटली द प्रीवियस स्पीकर विल वेकेट इट्स सीट समझ में आ गया री इलेक्शन हो सकता है येस yes, कितने बार भी आप स्पीकर बन सकते हो टिल द टाइम यू आर द मेम्बर ऑफ द हाउस ज्वाइंट सिटिंग में कौन बैठता है स्पीकर ऑफ लोकसभा ज्वाइंट सिटिंग कौन से रूल बुक के हिसाब से चलेगी लोकसभा रूल बुक अगर कोरम नहीं होता हाउस में इट मीन्स वन टेंथ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज नॉट प्रेजेंट देन स्पीकर हैज द अथॉरिटी टू एड जॉन द हाउस और सस्पेंड इट्स मीटिंग कास्टिंग वोट होता है स्पीकर के पास कास्टिंग वोट मतलब द स्पीकर कांट कास्ट इट्स वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट

द स्तूपा इज द टॉलेसट एंड द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड कब के टाइम पे बना था एट द टाइम ऑफ और ईरा ऑफ अशोका अदर साइट्स इन बिहार और ये दोनों यूनेस्को से रिकॉगनाइज भी हैं महाबोधि टेम्पल एंड नालंदा महावीरा सॉरी महाविहारा नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग एटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ टू थाउजेंड एंड वन सो प्लीज़ हियर द बैक स्टोरी ऑफ इट देर आर टू फ्रंट्स क्या क्या फ्रंट्स हैं ये ऑन द फर्स्ट फ्रंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक आर्टिकल 81 और 82 उसमें लिखा है कि लोकसभा में जितनी सीट्स हैं अलग अलग स्टेट्स की जैसे मान लीजिए हरियाणा और कर्नाटका तो हरियाणा की कुछ सीट्स होंगी लोकसभा की मान लीजिए फोर कर्नाटक की कुछ होंगी मान लीजिए फाइव अब हरियाणा में कम लोग रहते हैं और कर्नाटका में ज़्यादा लोग रहते हैं सो so, ये जो पॉपुलेशन टू नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा रेशियो है ये यूनिफॉर्म या एवरेज होना चाहिए इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया क्यों बिकॉज वी हैव डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड ईच एंड एवरी वोट शुड बी इक्विवेलेंट सो टू अपहोल्ड दिस प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी दिस प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन अ स्टेट एंड द सीट्स एलोकेटेड टू डेट स्टेट इन द लोकसभा शुड बी यूनिफॉर्म नाउ सी द नेक्स्ट फ्रंट In this front, we have to stabilize our population. Why? Because we are the second most populous country in the world after China. So, as there are lack of resources, we have to stabilize our population so that this overburden on the natural resources of India should be minimized and our government can provide better services to the citizens. So, what happened?

अगर यहाँ के ऊपर के जो नॉर्थ स्टेट्स हैं इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी इसका मतलब वी हैव टू प्रोवाइड मोर सीट्स टू देम इन द लोकसभा एंड दस दिस प्रोपोर्शनलिटी रेशियो विल गेट वायलेटेड बट द साउथ स्टेट्स हैव डन अ फेबुलस जॉब ऑफ स्टेबलाइजिंग देयर पॉपुलेशन सो वी कान डिसवाइज देम सो एज दिस फ्रंट इज मोर रैशनल डैट्स वाई वी हैव प्रोवाइडेड एटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट अब पढ़ लेते हैं एक्सटेंडेड द बैन ऑन द री एडजस्टमेंट ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज फॉर अनदर टी फाइव ईयरस इसका मतलब प्रीवियसली हैव फ्रोजन सीट्स ऑफ लोकसभा टिल टू थाउजेंड एंड इट इज रिटर्न इन द कॉन्स्टिट्यूशन दट वेनएवर देर इज देंसस है टू थाउजेंड सो सीट्स विल भी री एडजस्टिड अकॉर्डिंग टू दैट सेंसस बट एज वी नो वी डोंट हैव टू disincentivize the south states so this ban is extended to yet another 25 years until 2026 it means in the year 2026 the readjustment of the seats in the lok sabha will take place or another amendment act will be introduced and this extension or this ban on readjustment will be extended till a further date Maliji, 2050 सो दिस इज ऑल अबाउट एटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग टू नासा मिशन दोनों किस पे हैं लूनार पर मतलब मून के लिए आर्टिमिस एंड वाइपर मिशन जल्दी से देख लेते हैं आर्टिमिस का फुल फॉर्म है एक्सलेशन रिकनेक्शन टर्बुलेंस इलेक्ट्रोडाइनमिक्स ऑफ द मूनस इंटरेक्शन विद द सन सो मून के ऊपर है याद रखना नासा का मिशन है तो ये ऐसा दूसरा मिशन है नासा का जो कि वो भेज रहा है सो so, पहला कौन सा था पहला था अपोलो लूनर मिशन इन ईयर 1972 सेवनटी टू सेकेंड इज वाइपर मिशन वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर और वाइपर सो इट इज़ अ रोवर कहाँ जाएगा लूनर सरफेस पे तो यही याद रखना आर्टिमिस एंड वाइपर मिशंस आर नासाज मिशन डेट हैव सेंड टू है सरफेसिस एंड द लास्ट स्लाइड ऑफ द मिसलानियस जल्दी से देख लेते हैं बार नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज इन न्यूज़ कहाँ है आसम में है नेट नेट नेटरैक्स इज़ अ काइंड ऑफ हाई स्पीड ट्रैक फॉर द व्हीकल स्पीड टेस्टिंग्स कैसे देखिए जो भी बहुत बड़े व्हीकल्स बनते हैं या कोई फास्ट व्हीकल्स बन रहे हैं सो वी हैव टू टेस्ट द स्पीड्स इन द बेंडिंग जो रोड की बैंड्स होती है उन कर्वेचर होता है सिंपल सीधे रोड पे कितनी गति से जा सकते हैं वाइल्ड टर्निंग वट इज़ द मैक्सिमम स्पीड दे कैन अचीव सो ऑल दिस थिंग्स शुड बी टेस्टेड बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द व्हीकल्स इन द मार्केट सो दिस फैसिलिटी इंडिया यूज टू गिव इट्स व्हीकल टू अ फॉरेन कंट्री क्योंकि वहाँ थी ये फैसिलिटी बट नाउ इन द इंदौर एम पी दिस फैसिलिटी हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड इसके अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज याद रखना नेटरेक्स नेक्स्ट इज एन इंडेक्स साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स बाई इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन आई टी यू ग्रीनडी नेशनल पार्क तमिलनाडु में फेमस है ये तो आपको याद रहना चाहिए स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज़ गिवन बाई आर बी आई यू ए मार्स मिशन नाम क्या है होप मिशन इम्पोर्टेंट है याद रखना बोनालू फेस्टिवल इज ऑफ तेलंगाना एंड द लास्ट इज इंडिया इन द वर्ल्ड इन द शुगर केन प्रोडक्शन इज सेकेंड नंबर एंड इन शुगर केन कंजम्पशन इट इज़ ऑफ फर्स्ट इसका मतलब दुनिया में इंडियंस फर्स्ट नंबर पर हैं फॉर कंज्यूमिंग शुगर कैसे देखिए शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल नहीं उससे खांड भी बनती है या आपको खांड से ही पता होगा खांड बनती है देन गुड बनता है मोल एसिज इन सब से सो यू नो दीज आर ऑल द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द शुगर के इंडस्ट्री सो कंजम्पशन के लेवल में इंडियंस आर नंबर वन एंड प्रोडक्शन के मामले में इंडिया इज एट सेकेंड नंबर सो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं इस फॉर्मूले को याद रखना रीड रिवाइज रिकॉल मोटिवेशन के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब पक्का कर देना तब तक के लिए जय हिंद